अस्सलाम वालेकुम जी, जट्टी दे ब्लॉग के साथ हाजिर है जनाब। की हाल चाल है? उम्मीद है तुसी ठीक होवोगे। अज मेरी तबीयत भी ठीक है। जदों वीडियो बननी होगी उदों ही चेता आंदा कि मैं उपर बैठना है। ये लो ते चुप करो। अज जनाब तबीयत थोड़ी खराब है, मैंने भी बुखार पा दिया उन्होंने, लेकिन माशाल्लाह रोजा सब ने रखा है। ते अज इफ्तारी च बन रहे, तुहानू पहले दस दां कि अज मेरी भैन आ रही है, ते कोई स्पेशल इफ्तारी ते नहीं, कोई स्पेशल अफतारी तो नहीं आ रही। उन्हें तो मैं जाना सी बाजार जी, उस तो बाद उधर रखो अफतारी तो बाद उसका घर काफ़ी दूर है बाजार ना, मेरा तो नज़दीक है। तो उन्हें मैंने पता सी ना निकल लगे घंटा डेढ़ ला देना अफतारी तो बाद। तो असं प्लैन कर रहे थे हूँ थोड़ी देर पहले, हूँ तकरीबन पौने पाँच का टाइम से डेढ़ घंटे बाद रोज़ा माशाल्लाह खुलेगा। तो उन्हें मैं प्लैन बना रही थी कि मैं अफतारी तो बाद सत्त अठ बजे तक पहुँच जाऊँगा बाजार ही। मैं क्या तुम घर इधर ही आ जा, तो इतों ही आप चल जाएंगे। तो कोई इसी रूटीन वही जी पहला अफतारी बननी सी पकौड़े बन गए अज, तो नाल जनाब फ्राइज बन गए चिप्स। चिप्स तो ना मैं आलू काट के थोड़ा जहा बेसन लगा के रखे नाग में, तो नाल बन गए सब्जियां वाले चावल रायता ते स्ट्रॉबेरी मिल्कशेक। तो थानू मैं दस दा कि कल किसी मेरी बड़ी प्यारी भैन ने कमेंट किया कि पकौड़ों की रेसिपी भी बता दिया करें, आप पकौड़े बनाती है। तो आओ मैं तुम दस दी सब्जियां केड़ियां केड़ियां ने। ए जनाब आलू पालक बैंगन प्याज चार ते कॉमन सब्जियां जी असं पाने पकौड़े। इस तो अलावा शिमला मिर्च है, इस तो अलावा पुदीना है, तो नाल थोड़ा जे गोभी के टंडल होंगे ग्रीन जे, क्योंकि मैंने जरा जल्दी से इसलिए वो सारी सब्जियां ने। आ देख लो शिमला मिर्चा भी जाए, तो पुदीना भी आपको नज़र आ रहा होगा, और गोभी के टंडल भी जाए। तो हूँ ये अस पावे बेसन, नहीं करो उस वक्त क्यों कर रहे बेटे ऐसे कच्चा खा बेसन। एक चीज़ आप पावे बेसन सब आओ, कोई दो मांग रहे क्या? नमक नमक तो अलावा बड़ी आवाज आ रही, मैं तो नहीं कटनी मिर्चा गरम मसाला। सारी आवाज आ रही है, अच्छी बात है ना। बताओ क्या कह रहे हैं? अच्छा ज्यादातर लोग साबत धनिया पाते, मैं भी फिर हूँ अच्छा साबत पानी, वरना ये लाइट ऑन कर इसकी उससे बहुत मारूंगी मैं। देखा मेरे लाभ देखा, देखा साबत पा मसल के मतलब हाँ थोड़ा सा दही पकड़ो लीजा, ये थोड़ा डालेंगे साबुत और साबुत में थोड़ा सा पिसा हुआ भी डाल देते हैं, थोड़ा सा डालना तो डाल एक चम्मच। अच्छा यार छोटे होंगे से पिंड मतलब लस्सी पी दी याद, एक दही की लस्सी होंगी है नी और चाटी की लस्सी जिन्होंने खट्टी लस्सी भी कहते हैं। यकीन करो अपना पकौड़े बनाओ ना वह मिक्सर मतलब घोलो तो इन्ने के मजे के पकौड़े बनते हैं। हूँ वो लस्सी कितों लगती दशहर, तो इसलिए मैं थोड़ा जहाँ च ना तकरीबन दो बड़े चम्मच डोंगे वाले चम्मच जो होंगे ना वो दही पावे। चलो ये रख के फ्रिज में बाद इसका रायता बनाते हैं, और थोड़ा सा मेरे ग्लास में पानी दो। तो इन जरा मिक्सर को घोल देंगे। फर्स्ट सैल अफतार शायद पकौड़े बनाए थे, तो उन्हीं से कमेंट आया से जी तुम अन्ने वाए बना देंगे, अन्ने वाद मैं आपको कोलो लाया मतलब उन्होंने कहा से नाल और पानी दो ग्लास में लगी से। चावल भी तुम दस दें कि बनाने ने, मैं क्यों बनाने सब्जी वाले चावल, तो मिल्कशेक की रेसिपी भी दस दी हाँ, तो इनू मैं बना ला। वेखो जनाब इन चंगी तरह ना इसका मिक्सर बना लिया, हम असं बनावे रायता। चटनी पकड़ो किधर
थोड़ी जी चटनी तकरीबन छोटा एक चम्मच ना थोड़े नमक ऐड करांगे ते थोड़े जे प्याज विच पावांगे फिलहाल ना चावल ऊपर रखे हुए ने अम्मा चावल में चम्मच दबा ये रहने दो कुछ भी नहीं बस बस प्याज पानी फिर मैं स्ट्रॉबेरी रसे जनाब थोड़ी जी चीनी पावांगे ऐसी पहला फिर सब तो पहला थोड़ा जो दूध ना पा के इनू ग्रैंड करना है सिर्फ इसलिए कि स्ट्रॉबेरी चंगी तरह ना मेल्ट हो जाए चीनी दी सही तरह मैं ना थोड़ा जो ग्रैंड किया है मैं क्या चीनी मिक्स हो गई दोबारा होर दुध पा के ना करा नाल चावल भी जनाब चावल का प्याज ब्राउन हो चुके हैं अब इसमें हम डालेंगे टमाटर और नाल हो जाए इस तरह बड़ा बरीक हो जाए इसकी टाइम शॉर्ट होंगे मेरे को मैं फिर पर बाद चुनाव करना बड़ा औखा है चलो जी लसन मैं नहीं पाती चावल टमाटर सब मिर्चा पे अदरक ये देखें मसाले नमक मेथी के हल्दी थोड़ा सा जरा जीरा
ਰੱਖਿਆ ਵਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਛਿੱਟਾ ਮਾਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ मसाला भुन के फिर सब्जियां भुन के असीं पानी ला देंगे तो फिर उस तो बाद पकौड़े चिप्स वा लावांगे तो बाकी काम ही नाल नाल ये देखें जरा पकौड़े फ्राई हो रहे हैं मैं पकौड़े ना हत्था पानी मैं कभी चम्मच ना नहीं पाए क्योंकि डिंगे पिंगे पे चम्मच ना वो तबीयत नहीं सही की है जनाब हूं मैं पावा ये चावल आए हुए ढकना कौन चुके हूं वेखो मेरे हाथ ही खराब ने डिगे चलिया तरह वीडियो बनानी मैं हाँ ये देखें सब्जियां नू बाला आ गया चावल हूँ मैं ये सुटांगी चावल पकौड़े की साइड चेंज करनी है चादर और पकड़ लेनी जगह बेटा ये देखो इसके धोने वाले आते हैं उठो मुस्वा ओ वेलो की करण दिया की मान दे रही है मान तो तैने दो अजान अजान दा पैरा रोजे जान थले पुत्र अजान बैठ जा इधर इसकी कजन पहला रोज है जी ये फ्रूट चाट तुम पहले खाना है क्या वो खुद डाले के लिए मना करे जरा मेनू लगता असि लेट हो गया बाजार बंद होना शुरू हो गया है अच्छा तारी तो बाहर सुनना से हाँ मैं इधर आ जा चल आ जा हाँ जी चलो अंदर देखते हैं किधर है इधर आ लीजा ला लो को बुला लो ये कैमरा साफ नहीं है कलर कितना प्यारा है सी ग्रीन सब तो पैड़ा रंग मेनू आ लगदा है और मुझे सबसे प्यारा कलर ये लगता है प्यारा है ना आपकी पिंड चॉइस है नानो वाली सबसे प्यारा कलर लगता है अम्मा की देखो जरा मैंने भी जोड़ ऑरेंज वाला भी अच्छा ये तुम मैंने कहा तेरी अम्मा दे नहीं मत बज गई कि पैसे भूल गई है ये शाम की बजी हुई है ये तुसी बगाने था पुत्र पैसे ना मेज को रख दे चलो निकलो बाहर चलो जान को रहने दो ये जो कपड़े लिए शमीम अख्तर पहनती है तो आड़ी शमीम अख्तर सी आ रही हैं अगली दुकान पे मेरी कपड़े वाली गई सॉरी गली सारी बंद है और सारी दुनिया दे इतने 50% सेल है मुस्तफा के कपड़े इतने ले लेने हैं बच्चों की दुकान खुली हूँ तो बाजार बंद हो मैं क्या विषय से लेट हो गए चल जान कावा पी लाना था आजा जान हो प्याई जान गुड़ भी ना पी लो आ वेखो जी जान पठाना का जूठा कावा पी लो रोजा खोल क्यों आ बारिश नाल वेखो जी बाजारा दे हाल की होए पे ने नंगना औखा होया पे पता नहीं वो किधर गई ने हुन ओ खोतिया अम्मा वो सामने से पूछ रही हूं क्या कोई की पूछना है कॉमन पूछ लो अटर इना को ले लेंगे जनाब बाजारों पहुंची मैं कार 10:30 दा टाइम हो गया जे ते मेरी सिस्टर उठो ही चलेगी
तो मैं भी इफ्तारी तो बाद असं इतों मतलब जल्दी निकल गए देखो खिलारा हूँ मैं सारा ना किचन समेट के सौवगी क्योंकि सारे टाइम फिर बड़ी उलझन होंगी है तो बाजार ही लेट हो गए फिर उतों ही अपने घर चली गई तो मैं उन्होंने आ गई तो इंशाल्लाह नैक्सट ब्लॉग च मुलाकात होएगी जी दुआ याद रखना तो मैं ये खिलारा कुंजलू अल्लाह हाफिज़।